ये हजारों साल पुराना किला है गाइस, और यही गुफा रहता था जो चार मीनार निकलता था गाइस। गाइस तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, और आज हम लोग आए हैं गोलकुंडा और आप लोग को दिखाएंगे गाइस यहां का नज़ारा। तब तक आप लोग गाइस ब्लॉग में बने रहे हैं, और मेरा दोस्त लोग देख सकते हैं कुछ आए हैं, और कुछ दोस्त लोग टिकट काउंटर गए हैं कटाने के लिए। गाइस फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को, एक से एक नज़ारा है अंदर। गाइस देख सकते हैं यहीं पे शूटिंग हुआ तेरे नाम का मूवी, जो आप लोग देखते हैं गाइस। गाइस चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं तेरे नाम का जो पागल खाना का रोल लिया गया था, यहीं से लिया गया था। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर, और देखिए पीछे का नज़ारा कितना मस्त है गाइस। ये हजारों साल पुराना किला है गाइस, और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ भी है। और चलिए अभी ऊपर भी जाना है, अभी फिलहाल देख लेते हैं इधर, उसके बाद ऊपर चलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे गाइस ऊपर का नज़ारा। और मेरा कैमरामैन भाई थोड़ा अच्छा से वीडियो लेना, और चलो अभी उधर चलेंगे उसके बाद। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, ऊपर तो नहीं पहुँचे गाइस, पर हम लोग अभी फिलहाल इधर देख सकते हैं छत के ऊपर हैं, और बहुत बेहतरीन नज़ारा है इधर का। और अभी चलेंगे वो साइड, उधर भी कुछ शूटिंग हुआ था तो उधर भी चलेंगे और दिखाते हैं आप लोग को पूरा नज़ारा। तब तक आप लोग बने रहें ब्लॉग में, और देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कुछ इस टाइप का दोस्तों। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा कॉमेंट में। और हीरो लोग शायद उधर है, और नीचे के साइड में जो दिखाएं वहाँ से कैमरा है, और कुछ आदमी इधर अपना सिग्नल दे रहे हैं और रास्ता क्लियर करवा रहे हैं देख सकते हैं, और उसके बाद इधर शूटिंग चालू होगा शायद। अच्छा इधर है हीरो। देख सकते हैं यही है गुफा, चार मीनार निकलता है गाइस। फिलहाल अभी ये बंद है, देख सकते हैं आप, काफ़ी पुराना है और ये बंद कर दिया गया है। यही गुफा रहता था जो चार मीनार निकलता था गाइस। गाइस फाइनली अभी हम चलते हैं सबसे ऊपर, दिखाएंगे आप लोग को ऊपर का नज़ारा, और मेरा दोस्त लोग भी साथ में देख सकते हैं आप लोग, और एक दोस्त है नीचे में, उधर शूटिंग चल रहा है उधर अभी।
और मतलब शूटिंग देख रहा है। गाइस फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, उसके बाद चलेंगे ऑटोफर के घर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। गाइस नज़ारा कुछ देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस, और आप लोग बताइए